साथ कंगन लेके आना, थोड़े बंधन लेके आना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए दिन भर का जो रेल समाचार है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। सबसे पहले आपको लेके चलते हैं रीवा में, जहां पे रीवा से वंदे भारत ट्रेन को चलाया जा रहा है। सबसे पहले आपको बताते चले कि कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि वंदे भारत जो ट्रेन है, इस ट्रेन का जो किराया था वो हमने आपको अवगत कराया था, लेकिन हमने आपको सभी स्टेशनों का किराया अवगत नहीं कराया था। तो आज के इस वीडियो में आपको विंध्य महाकौशल और छत्तीसगढ़ का रेल समाचार लेके आया है। तो फिलहाल आपको बता दे चले कि वंदे भारत ट्रेन का जो ट्रायल रन है वो सफल रहा है रीवा में। अब वंदे भारत ट्रेन का जो मेंटेनेंस हुआ करता था पहले वो जबलपुर में हुआ करता था, लेकिन अब वंदे भारत ट्रेन का जो मेंटेनेंस है वो रीवा में किया जाएगा। इसके साथ ही रीवा से सतना का चेयर कार का जो किराया है वो 380 रुपये का है और एग्जीक्यूटिव का किराया 705 रुपये का है। अगर आप इस ट्रेन से रीवा से कटनी जाते हैं तो चेयर कार में आपको देने पड़ेंगे 635 रुपये, और अगर आप एग्जीक्यूटिव क्लास में जाते हैं तो आपको देने पड़ेंगे 1155 रुपये। अगर आप इस ट्रेन में रीवा से जबलपुर जाते हैं तो आपको देने पड़ेंगे चेयर कार का 795 रुपये, और एग्जीक्यूटिव क्लास में अगर आप जाएंगे तो आपको देने पड़ेंगे 1480 रुपये। रीवा से नरसिंहपुर अगर आप जाते हैं तो आपको चेयर कार में देने पड़ेंगे 935 रुपये, और एग्जीक्यूटिव क्लास में आपको देने पड़ेंगे 1760 रुपये। अगर आप रीवा से पिपरिया जाते हैं तो चेयर कार में आपको देने पड़ेंगे 1075 रुपये, और एग्जीक्यूटिव क्लास में आपको देने पड़ेंगे 1760 रुपये। अगर आप रीवा से इटारसी जाते हैं चेयर कार में तो आपको देने पड़ेंगे 1185 रुपये, और यदि आप एग्जीक्यूटिव क्लास में जाते हैं तो आपको देने पड़ेंगे 2265 रुपये। अगर आप रीवा से नर्मदापुरम चेयर कार में जाते हैं तो आपको 1245 रुपये देने पड़ेंगे, एग्जीक्यूटिव क्लास में अगर आप जाएंगे तो आपको 2400 रुपये देने पड़ेंगे। आपको बता दें चले ये जो किराया हमने आपको बताया है इन सभी किरायों में जो फूड है वो जुड़ा हुआ है। आपको बताते चलें कि आचार संहिता लग चुकी है तो आचार संहिता के वजह से ही दिक्कत हो रही थी, और जैसे ही चुनाव आयोग ने हाँ किया तो इस ट्रेन को जबलपुर से बढ़ाकर रीवा तक कर दिया गया। आपको बताते चलें कि वंदे भारत ट्रेन सुबह 5:30 बजे रीवा रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। सतना मैहर कटनी होकर यह ट्रेन जबलपुर सुबह 8:45 पर पहुँच जाएगी। जबलपुर में इस ट्रेन का 10 मिनट का ठहराव है। 10 मिनट का ठहराव लेने के बाद यह ट्रेन रानी कमलापति के लिए रवाना हो जाएगी। यानी कि रीवा से जबलपुर का जो सफ़र है वो 3.25 घंटे का होगा। अभी यह सफ़र अन्य ट्रेनें 4 से 6 घंटे लेती हैं। विवेकशील जो कि DRM है जबलपुर रेल मंडल के, उनके द्वारा बताया गया कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने की वजह से वंदे भारत ट्रेन को जबलपुर से बढ़ाकर रीवा से चलाने पर संशय था। इस संबंध में हमने पश्चिम मध्य रेलवे और उन्होंने चुनाव आयोग से इस पर राय मांगी, जिस पर उन्होंने ट्रेन चलाने की सहमति दे दी है। अभी यह ट्रेन 15 अक्टूबर से रानी कमलापति से रीवा के लिए चलेगी और 16 अक्टूबर से रीवा से रानी कमलापति के बीच में चलेगी। इनके अलावा आपको बताते चलें कि अब आचार संहिता लग चुकी है तो अब कोई भी नई ट्रेनें शुरू नहीं होंगी, ना ही पुरानी ट्रेनों का एक्सटेंशन होगा। यानी कि अब कुछ नहीं होने वाला है, यानी कि जो भी मांग विंध्यवासियों की थी वो अब मांग ही बन के रह चुकी हैं। अब जब चुनाव हो जाएंगे, सरकार बनेगी, उसके बाद ही जो होगा सो होगा। लेकिन अब जो मांग की जा रही थी रीवा से बिलासपुर ट्रेन का एक्सटेंशन किया जाए, बहुत सारी मांग थी कि रीवा की ट्रेनों को प्रतिदिन किया जाए, लेकिन अब कुछ भी पूरा नहीं हो पाएगा। इनके अलावा चलिए आपको लेके चलते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आपको बताते चलें कि बिलासपुर जोन से छूटने व गुजरने वाली 229 ट्रेनों का समय बदल दिया गया है। आपको बताते चलें कि विभिन्न सेक्शनों में आधारभूत संरचना को और अधिक विकसित करते हुए आंशिक परिवर्तन किया गया है। अप व डाउन दिशा की इन ट्रेनों की नई समय सारणी लागू हो गई है। बदलाव जो हैं वो कुछ कुछ स्टेशन में किए गए हैं, अन्य स्टेशनों में जो समय है वो यथावत रहेगा और ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। 5 से 10 मिनट ही ट्रेन को आगे पीछे किया गया है। जैसे कि रायगढ़ गोंदिया एक्सप्रेस ट्रेन, ये ट्रेन 7:24 पर चांपा आया करती थी, लेकिन अब ये ट्रेन 7:29 पर आएगी। इसी के साथ रायगढ़ निज़ामुद्दीन एक्सप्रेस ट्रेन चांपा 4:31 पर आया करती थी, लेकिन अब ये 4:36 पर आएगी। तो ज़्यादा कुछ संशोधन नहीं हुआ है, सिर्फ 5 या 10 मिनट का ही आगे पीछे का समय बदला गया है। इतवारी टाटा एक्सप्रेस ट्रेन रायगढ़ स्टेशन में इस ट्रेन का जो टाइम था उससे अब ये ट्रेन 10 मिनट लेट पहुंचेगी। इनके अलावा बिलासपुर नागपुर एक्सप्रेस जो है वो दुर्ग राजनंदगांव व गोंदिया रेलवे स्टेशन में इस ट्रेन का जो समय है उसको बदल दिया गया है। या फिर हम अलग से आपको वीडियो के माध्यम से अवगत करा देंगे कौन कौन सी ट्रेनों का कैसा समय बदला गया है, क्योंकि इस वीडियो में अगर वो पूरी जानकारी देंगे तो वीडियो आधे घंटे से ऊपर की हो जाएगी। इस वजह से अगर आपको दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की जो समय सारणी में संशोधन हुआ है अलग से आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा, वीडियो के माध्यम से आपको हम अवगत कराएंगे।
इनके अलावा एक बुरी खबर ये आई है कि दिल्ली से कामाख्या जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन बिहार के बक्सर में हादसे का शिकार हो गई। ये हादसा कल हुआ, यानी कि कल 11 अक्टूबर 2023 को ये हादसा हुआ। जब ये घटना घटी उस वक्त ट्रेन की जो स्पीड थी वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ रही थी, तभी जोरदार झटके से कई बोगियां बेपटरी हो गए। हादसा इतना भयंकर था कि अब भी कई यात्री खौफ में हैं। बक्सर से चलते ही रघुनाथ स्टेशन के पास ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 4 लोग को नहीं बचाया जा सका, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। आपको बताते चले कि LHB कोच से इस ट्रेन को चलाया जाता है, इस वजह से ज्यादा कुछ समस्या नहीं हुई। अगर ICF कोच होते तो बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाती। इनके अलावा चलिए आपको लेकर चलते हैं हम महाकौशल में। आपको बताते चले महाकौशल का क्या है रेल समाचार, तो आपको बताते चले कि 15 अक्टूबर से 13 दिनों के लिए पतालकोट एक्सप्रेस और पंचवेली फास्ट पैसेंजर ट्रेन, इसके अलावा अमरकंटक नर्मदा एवं जबलपुर की कई ट्रेनें शामिल थी जिन ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया था, लेकिन रेलवे ने अब इन ट्रेनों को नियमित चलाए जाने का निर्णय लिया है। यानी ये ट्रेन बिना किसी रुकावट के नियमित चलेंगी। आपको बताते चले पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल के अंतर्गत बुधनी मिडघाट चौक एवं बरखेड़ा स्टेशनों पर चल रहे थर्ड लाइन के अंतर्गत बुधनी एवं बरखेड़ा स्टेशनों पर प्री इंटरलॉक एवं नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जाना था, इस वजह से कई ट्रेनों को रद्द किया गया था। ट्रेनों के रद्द होने के कारण दिल्ली भोपाल इंदौर सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी हो रही थी। अब पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल के अंतर्गत बुधनी बरखेड़ा सेक्शन में प्रस्तावित नॉन इंटरलॉकिंग वर्क को 15 से 24 अक्टूबर होना था, इसे फिलहाल अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया है। यानी गाड़ियां पुराने समय सारणी के अनुसार ही चलेंगी। जितनी भी ट्रेनों को रद्द किया गया है सबको दोबारा से शुरू कर दिया गया है। इनके अलावा जो मांग की जा रही थी कई क्षेत्रवासियों के द्वारा कि ट्रेन के समय को बदला जाए, नई ट्रेनों को शुरू किया जाए और एक्सटेंशन किया जाए, तो अब कुछ भी नहीं होने वाला है। यानी कि अब जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। कोरोना काल से जिन ट्रेनों को बंद किया गया अब उनको भी अभी तक शुरू नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब आचार संहिता लग गई है। तो अब जो भी होगा बाद में होगा। तो फिलहाल आप सभी जुड़े रहिए हमसे हमारे YouTube चैनल द रेलवे गानी के माध्यम से। तो फिलहाल जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते अगली वीडियो में। बाय बाय।